पहले काशी फिर महाकाल, अब बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर। योगी सरकार के प्रस्तावित प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। मंदिर के पैसे से नहीं होगा निर्माण, पूरा खर्च उठाएगी सरकार। एक बार में दर्शन कर सकेंगे 50,000 से अधिक श्रद्धालु। देशवासियों ने पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर महाकाल कॉरिडोर बनते देखा। 500 साल बाद राम मंदिर को बनते अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और अब जल्द ही मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनते देखेंगे। बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद कोर्ट ने योगी सरकार की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके पीछे 32 सालों का संघर्ष भी था। 1970 में बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश शुरू हुई। 1991 में कागज पर जमीन को तालाब की जमीन बताकर दर्ज किया गया। 2004 में तो हद ही हो गई, जब यूपी में सपा की मुलायम सरकार ने बांके बिहारी के मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज किया। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक खास समुदाय के वोट बैंक को खुश करने के लिए, ऐतिहासिक मंदिर की कुर्बानी दी गई तुष्टिकरण की राजनीति के लिए। मुगल आक्रांता तो चले गए, जिन्ना चला गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिन्नावादी सोच से भरे हैं और सियासी रोटियां सेकने के लिए भारत को तोड़ने को तैयार है। खैर, अब जब कॉरिडोर बनेगा उसका निर्माण उसी तर्ज पर किया जाएगा जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर का निर्माण सरकारी पैसे से किया जाएगा, मंदिर के खजाने से एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि भक्तों ने मंदिर में जो चंदा दान किया है उसमें से एक पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। कहा जाता है कि साल 1864 में श्री कृष्ण के परम भक्त स्वामी हरिदास ने वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। भक्तों का मानना है कि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। हर रोज करीब 40-50 हजार लोग देश विदेश से दर्शन के लिए आते हैं। पूरे वृंदावन में भीड़ और श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की कर किसी तरह मंदिर के दर्शन हो पाते हैं। वीकेंड पर संख्या तो लाखों में पहुंच जाती है। जन्माष्टमी के समय तो वृंदावन में भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। भगदड़ के कारण कई बार श्रद्धालुओं की जान भी चली जाती थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने न भक्तों की सुविधा के बारे में सोचा, न ही मंदिर के कायाकल्प के बारे में। हालांकि योगी सरकार के आने के बाद मंदिर के चारों ओर सुव्यवस्थित कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव लाया गया। इसका विरोध हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए हरी झंडी दे दी है। जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। गलियारा बनने से दर्शन के लिए धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ेगी। एक बार में 50,000 से अधिक श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर में 10,000 लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था भी होगी। बता दें कि कॉरिडोर का निर्माण दो हिस्सों में होगा, यानी ऊपरी क्षेत्र और निचला क्षेत्र। निचला हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर का होगा, वहीं ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर का। 5 एकड़ जमीन में पार्किंग और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इसमें वेटिंग रूम, परिक्रमा क्षेत्र, सामान घर, चिकित्सा, शिशु वीआईपी रूम, मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा होगी। जगह जगह बड़े हॉल बनाए जाएंगे। दरअसल बांके बिहारी मंदिर के आसपास बढ़ती आबादी के साथ अतिक्रमण भी बढ़ता चला गया। इमारतों का तेजी से निर्माण होने से कान्हा की पुत्रानी यमुना, जो मंदिर से दूर हो गई थी, गलियारा बनने से भक्त यमुना में डुबकी लगाने के बाद कॉरिडोर की मदद से सीधे मंदिर पहुंच सकेंगे। 5 एकड़ में बनने वाले गलियारे के 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से शुरू होगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से, तीसरा रास्ता जौदौन पार्किंग से शुरू होकर मंदिर तक पहुंचेगा। कॉरिडोर निर्माण की जद्दोजहद में मंदिर के आसपास संकरी गलियों में बसे दुकानें आ रही है। हालांकि अतिक्रमण हटाने के बदले योगी सरकार दुकानदारों को मार्केट रेट पर मुआवजा, साथ ही कॉरिडोर में अपनी दुकान लगाने का वादा दिया है। गलियारा बनने के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे से वृंदावन को जोड़ने के लिए अलग से सड़क बनाई जा रही है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। वृंदावन और मथुरा में ज्यादातर अर्थव्यवस्था मंदिरों पर ही टिकी है। टूरिस्ट बढ़ने से फूल विक्रेता से लेकर होटल और रेस्टोरेंट कारोबारी और प्रसाद विक्रेता से लेकर ई रिक्शा चलाने वालों की आमदनी बढ़ेगी। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार आते ही धार्मिक स्थानों का किस तरह से पुनरुद्धार हुआ, इसका साक्षी आज हर देशवासी बन रहा है। केदारनाथ मंदिर का कायाकल्प हो या अयोध्या में राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार हो या चार धाम को जोड़ने वाली परियोजना, और अब माँ कामाख्या शक्तिपीठ और माँ विंध्याचल के लिए शानदार कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।